हेलो दोस्तों, एजुकेशन इन्फॉर्मेशन चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम कुछ डिस्कस करेंगे आरआरबी एनटीपीसी कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि अभी आने वाले 28 तारीख से एग्ज़ाम्स हुए होने वाले। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट नज़र आएंगे। तो आइए चलते हैं, पहले कुछ डिस्कस कर कुछ आप लोगों के लिए क्वेश्चन बनाया गया है, डिस्कस करते हैं। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से क्या ओजोन परत को नष्ट करता है? निम्नलिखित में से क्या ओजोन परत को नष्ट करता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा इस क्वेश्चन को। तो हमारे पास चार ऑप्शंस हैं, सल्फर, कार्बन, क्लोरीन और सिलिकन। जैसा कि आप जानते हैं कि क्लोरीन जो है वो ओजोन परत को ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है। जैसे आप CFC गैस के बारे में क्लोरो फ्लोरोकार्बन पढ़े होंगे आप। तो जहाँ तक इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी क्लोरीन। तो ये इसका सही आंसर है। अब भाई हम चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी औपनिवेशिक काल में भारत के व्यापार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी? ये क्वेश्चन हिस्ट्री पार्ट से आता है और आरआरबी एनटीपीसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें चार ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है आयात अधिशेष, दूसरा है आयात में कमी, तीसरा है निर्यात में कमी और चौथा है निर्यात अधिशेष। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन डी, निर्यात अधिशेष। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन डी। तो अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपका कि वर्ष 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने किस भारतीय स्मारक का निर्माण किया था? इसका सही आंसर होगा हवा महल, जो कि 1799 में महाराजा सवाई सिंह प्रताप ने हवा महल का निर्माण किया था, जो कि शायद आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा इस क्वेश्चन को। हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। दिल्ली में लाल किला और जामा मस्जिद के दौरान वास्तुकला की उपलब्धियों के रूप में स्पष्ट करता है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हिस्ट्री का ही पार्ट है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिल्ली में लाल किला और जामा मस्जिद कहता है डैश के शासन काल के दौरान वास्तुकला की उपलब्धियों के रूप में स्पष्ट करता है। तो आपको ये पता होगा जैसे कि शाहजहां ने इसका निर्माण किया था। इनके शासनकाल के दौरान ही दिल्ली में जो लाल किला और जामा मस्जिद था वो एक वास्तुकला का केंद्र बना था। तो इसका सही आंसर होगा आपका शाहजहां। इसका सही आंसर होगा शाहजहां। आइए हम अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए। आपका चार ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है येनसी, दूसरा अमेजन, तीसरा नील और चौथा यांगतेजी। तो आप नील नदी के बारे में पढ़े होंगे, बट नील नदी नहीं है एशिया की सबसे लंबी नदी। सबसे लंबी नदी है हमारी यांगतेजी। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो इसका है सही आंसर। ठीक है, अब हम आइए चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। आगरा में यमुना नदी के किनारे अपनी पत्नी मुमताज महल के लिए ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? ये थोड़ा सा हल्का क्वेश्चन है, आप लोगों को पता होगा शायद ताजमहल का निर्माण किसने किया था। और आपको ये भी पता होगा जो ताजमहल है वो यमुना नदी किनारे बसा हुआ है। और जैसा कि आप पढ़े भी होंगे, आई थिंक बच्चों के क्लास में भी ये चीज़ें हैं कि ताजमहल का निर्माण जो है वो शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज की याद में किया था। तो इसका सही आंसर होगा शाहजहां। इसका आंसर होगा शाहजहां। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सी नदी अधिकतम देशों से होकर गुजरती है? कौन सी नदी अधिकतम देशों से होकर गुजरती है? तो इसका सही आंसर जो होगा वो है डेन्यूब। डेन्यूब नदी एक ऐसी नदी है जो कि बहुत सारे कंट्री होके गुजरती है।
सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक दो तीन चार कंट्री होकर, नहीं बहुत सारे कंट्री होकर गुजरती है। इसका सही आंसर जो होगा वो है डेन्यूब। ये बहुत सारे एग्जाम से पहले आ भी चुका है। आइए इस, तो इसका आंसर सही होगा, सही आंसर होगा इसका डेन्यूब, सही आंसर होगा। अब है डैश को एक्सरे की खोज के लिए 1901 में भौतिकी का पहला नोबेल पुरस्कार मिला था। एक्सरे की खोज आप लोगों को पता होगा कि विलहम रोंजन ने किया था, जिसके लिए उनको फिजिक्स के फील्ड में पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा विलहम रोंजन। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पृथ्वी पर एक बड़े क्षुद्र ग्रह के टकराने से डायनासोर के विलुप्त होने का सिद्धांत डैश द्वारा किया गया था। डायनासोर विलुप्त हो गए थे सब जानते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि जो डायनासोर का विलुप्त होने का सबसे बड़ा कारण था वो था क्षुद्र ग्रह, मतलब क्षुद्र ग्रह जो है वो टकरा गया था पृथ्वी से, जिसकी वजह से डायनासोर विलुप्त हो गए थे। इसका सबसे पहले जो सिद्धांत दिया था, मतलब थ्योरी जो इसका दिया था, वो थे लुइस अल्वारेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले आपके आरआरबी एंटीपीसीएम से ये बहुत ही मददगार होगा आपको लिए, आपके लिए। अब ये चलते हैं अगला क्वेश्चन है। डैश को उसके शासनकाल के दौरान आर्कटिक किंग कहा जाता था और विश्व इस मुगल साम्राज्य विश्व इस मुगल साम्राज्य की कला और संस्कृति के अनूठे विकास का साक्षी है। जैसा कि आप जानते हैं शाहजहां के बारे में कि उसे आर्कटिक किंग के भी नाम से जाना जाता था। जब उनका शासनकाल चलता था तो वो उनको एक उपाधि दी गई थी जब उनके शासनकाल के दौरान, तो उनको आर्कटिक किंग कहा जाता था। इसलिए उसको विश्व जो है इस मुगल साम्राज्य को, साम्राज्य की कला और संस्कृति के अनूठे विकास का साक्षी है। मतलब बहुत आर्ट था। आप जैसे जानते भी होंगे ताजमहल जब उन्होंने बनवाया था तो बहुत सारी चीज़ें उनके ताजमहल के अंदर ऐसी डिजाइनिंग की गई थी जो कि नॉर्मल नहीं होती है। तो इसका सही आंसर होगा शाहजहां, सही आंसर होगा। आइए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1608 ईस्वी में कैप्टन विलियम्स हॉकिंस को सूरत में कारखाना खोलने की अनुमति लेने के लिए सम्राट डैश के पास दरबार भेजा था। जैसा आपको पता होगा ईस्ट इंडिया कंपनी जब अनुमति के लिए कैप्टन विलियम्स हॉकिंस ने भेजा था, तो किस राजा के पास भेजा था। तो उसका सही आंसर जो होगा वो है इसका आंसर ऑप्शन डी। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, जहांगीर। सही ऑप्शन होगा जहांगीर। आइए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डैश भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। जैसा कि आप जानते होंगे, ये जीके में पहले भी आप पढ़ चुके होंगे, सुकुमार सेन जो हैं वो भारत के पहले चुनाव आयुक्त बने थे। इसका सही आंसर होगा सुकुमार सेन। आइए अब अगले क्वेश्चन चलते हैं। सूर्य का अनुमानित व्यास यानी डायमीटर पृथ्वी के व्यास का कितना गुना है। ये आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने फिजिक्स में पहले भी डिस्कस किया होगा इस क्वेश्चन को। तो इसका सही आंसर होगा 109। आइए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। भारत के सबसे पश्चिमी स्थान का नाम बताइए। तो भारत के जो सबसे पश्चिमी स्थान है ये एक जगह है, इसका सही ऑप्शन होगा आपके पास गुहार मोटा। ये सब कुछ क्वेश्चंस पहले भी आपके प्रीवियस रिसर्च के जब क्वेश्चन आप देखेंगे ना उसमें भी ये क्वेश्चंस आ चुके हैं। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एक बार आप जरूर इसको देख लीजिएगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के सबसे छोटे जिले का नाम बताइए। ये क्वेश्चन आप पहले कहीं देखे होंगे या नहीं पढ़े होंगे, तो इसको एक बार याद कर लीजिए, ये आपके वैसे भी जीके के लिए बहुत काम आएगा। तो इसका सही आंसर जहां तक होगा ये है माहे। माहे सबसे छोटा जिला है अभी,
भारत का सबसे छोटा जिला है। आइए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। गुवाहाटी, गुवाहाटी शहर का ऐतिहासिक नाम क्या था? पहले गुवाहाटी शहर का नाम क्या था? तो इसका सही आंसर होगा प्राग्ञोजिसपुर। ऑप्शन डी जो है इसका इसका सही आंसर होगा। आइए अब अगले क्वेश्चन को चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन उत्तर भारत में चार धाम यात्रा का हिस्सा नहीं है? जैसा कि आप ऑप्शन चारों ऑप्शन में से आप अगर एलिमिनेट करेंगे तो बद्रीनाथ चार धाम की एक यात्रा में से आता है, गंगोत्री एक धाम की यात्रा में से आता है, और केदारनाथ भी एक एक धाम की यात्रा में से आता है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो है वैष्णो देवी, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है। आइए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा निर्मित सबसे पुराने बंदरगाह का नाम बताइए। तो सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई थी वो आपको पता होगा कोलकाता में ही हुई थी। तो इसका सही आंसर जहाँ तक होगा कोलकाता बंदरगाह होगा। सही ऑप्शन आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, कोलकाता बंदरगाह था जो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा निर्मित किया गया था। आइए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम को वर्ष डैश में डैश पारित किया गया था कितने ईस्वी में? क्वेश्चन पूछा किसमें कितने ईस्वी में खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम को वर्ष में पारित किया गया था? तो इसका आंसर सही होगा 1956 ईस्वी में। 1956 ईस्वी में खादी और ग्रामोद्योग आयोग को अनुमति दी गई थी। आइए अब अगले क्वेश्चन को चलते हैं। 1928 में अंग्रेजों के खिलाफ गुजरात के बारडोली के स्थानीय किसानों के आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? जैसा आपको पता होगा कि लौह पुरुष जो थे वो गुजरात से ही थे। जब 1928 में अंग्रेजों के खिलाफ गुजरात के बारडोली शहर के लोकल किसानों ने जब आंदोलन किया था तो उनका नेतृत्व हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इसका सही आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। आइए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गांधी इरविन समझौते में निम्नलिखित में से कौन सी एक शर्त नहीं रखी गई थी? इरविन समझौता हुआ था, आप पढ़े होंगे पहले हिस्ट्री में इस क्वेश्चन को ऑलरेडी। तो गांधी इरविन समझौता में आप अगर चारों ऑप्शंस पढ़िएगा इसको, पहला ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेना, जो कि एक गांधी इरविन समझौते का एक पार्ट था। नमक कर को हटाना, कानूनी रूप से उत्पादन करने, व्यापार करने और बेचने की अनुमति, ये भी ऑप्शन बी जो गांधी इरविन समझौते का एक पार्ट था। अब आइए तीसरा ऑप्शन सी, खादी उत्पादन से कर वापस लेने की शर्त, जो कि ऑलरेडी ये एक गांधी इरविन समझौते का पार्ट नहीं था। वापस लेने की कोई शर्त नहीं थी, खादी उत्पादन जितना भी प्रोडक्शन हो रहा था खादी से उस पर जो टैक्स लग रहा था उसको वापस लेने की कोई भी शर्त गांधी इरविन समझौते में नहीं रखी गई थी। और जिसका ऑप्शन डी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गोल मेज सम्मेलन में भाग लेने की शर्त, ये भी है एक उसमें से। तो इसका सही आंसर होगा खादी उत्पादन से कर वापस लेने की शर्त, यानी ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर है। आइए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद डैश चुनाव आयोग को संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनावों की निगरानी करने की शक्ति देता है। तो जब आप आर्टिकल 324 पढ़िएगा उसमें आर्टिकल 324 में भारत के संविधान का अनुच्छेद 324 संसद और राज्य विधानसभाओं को चुनाव की निगरानी करने का शक्ति देता है। तो इसका सही आंसर होगा आर्टिकल 324। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राज तरंगिनी पुस्तक के लेखक कौन है? तो राज तरंगिनी पुस्तक के जो लेखक हैं वो है कलहन। ये कुछ आसान सा क्वेश्चन था बट ये सभी क्वेश्चन लेखक जो आते हैं इसके लिए मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा अलग से बुक और ऑथर्स का, तो उसको ध्यान से पढ़िएगा। आइए अब अगले क्वेश्चन को चलते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य संबंधों का उल्लेख किया गया है? तो जो इसका सही आंसर बनेगा यह है ऑप्शन बी भाग 11। भाग 11 अनुच्छेद 245 लेकर 255 तक, उसमें भारतीय संविधान में
केंद्र राज्य संबंधों का उल्लेख किया गया है, जो कि आर्टिकल 225 से लेकर के 255 तक है। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। आइए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। भारत के किसी राज्य उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। इसका सही आंसर होगा लीला सेठ। लीला सेठ जो थी वो भारत की एक स्टेट की हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी। इसका सही आंसर होगा लीला सेठ। आइए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 10 के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो ये क्वेश्चन आपने आर्टिकल्स वगैरह अगर पढ़े भी होंगे पहले भी, तो इसका आपको मालूम होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, तो भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को नियुक्ति की जाती है? तो इसका जो सही आंसर बनेगा वो है आपका आर्टिकल 124(2). इसका सही आंसर बनेगा आपका बी। आइए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्वदेश दर्शन योजना का उद्देश्य पूरे भारत में अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देना है। निम्नलिखित में से कौन पर्यटन मंत्रालय की योजना के अंतर्गत 13 विषयगत सर्किट में से एक नहीं है? तो इसका सही आंसर जो होगा महाभारत सर्किट। कोई सर्किट ये है ही नहीं। 13 विषयगत सर्किट जो बनी थी उसमें से आप पढ़िएगा 13 सर्किट के बारे में, तो आप उसमें महाभारत सर्किट जो है ये नहीं आता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। बाकी जो इसमें तीन ऑप्शन हैं, ट्रैवल सर्किट, रामायण सर्किट और डेजर्ट सर्किट, ये तीनों जो है जो पर्यटन मंत्रालय की ओर से बनाया गया था उसमें 13 विषयगत सर्किट में से एक ये नहीं है महाभारत सर्किट, बाकी ये तीनों हैं। इसका सही आंसर होगा महाभारत सर्किट। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए बने कॉलेजियम के प्रमुख भारत के डैश होते हैं। तो जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए एक कॉलेजियम बनाया जाता है जिसके प्रमुख जो हमारे चीफ जस्टिस होते हैं वो होते हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं यानी मुख्य न्यायाधीश, वो इसके प्रमुख होते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। आइए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद देश के शासनकाल के दौरान के वास्तुकला की बड़ी उपलब्धियां हैं। इसका सही आंसर होगा शाहजहां के काल में दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद था एक वास्तुकला की बड़ी उपलब्धि माना जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अब अगले क्वेश्चन को चलते हैं। हुमायूं का उत्तराधिकारी निर्वासन में पैदा हुआ था और वो जब वह केवल 13 वर्ष का था तभी उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। तो आप ये पहले भी जानते होंगे कि जब अकबर के शासनकाल में उनके पिता, जब हुमायूं का उत्तराधिकारी अकबर निर्वासन में पैदा हुआ था और वो केवल 13 वर्ष के थे तभी उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए अकबर। ये थे हमारे 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये, जो कि आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप इसको एक थ्रू आउट देख लीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो में जब बनाऊंगा तो उसमें 30 क्वेश्चंस और आएंगे। तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अधिक से अधिक। आप सबको थैंक यू। एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पेज को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आपके लिए हम बहुत सारे वीडियोस बनाते रहेंगे ऐसे ही। बहुत सारे मेरे पास कंटेंट है, तो करंट अफेयर का भी आपको पर डे आप क्वेश्चन मिलेगा। तो आप हमारे चैनल को जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू एवरीवन।